Here I come. तू समझा? नहीं। तो गाइस आपका रिएक्शन भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले कुछ ऐसा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में जिससे आप लोग बीआर रैंक गेम में हर एक गेम बुया करके ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते। चल झूठा। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला, तो गाइस एंड तक जरूर से देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना गाइस, ठीक है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस टोटल चार कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाला और वो सब है हीलिंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, सर्वाइविंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, ओरियन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन और लास्ट में रशिंग स्किल कॉम्बिनेशन। तो चलो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हीलिंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस हीलिंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक्टिव स्किल पे आपको रखना है जेन। और गाइस जेन बेसिकली क्या करता है, आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिख ही गया होगा कि जब आप लोग जेन कैरेक्टर का स्किल एबिलिटी पे प्रेस करते हो ना, तो आप लोगों को 60 टेम्पर एचपी दे देता है 12 सेकंड के मतलब लिए। वही 12 सेकंड पे कोई एनिमी आपको मारने आए ना, तो आपको कितना डैमेज देना पड़ेगा, 260 डैमेज आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप मरोगे। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको रखना है लियोन कैरेक्टर। और गाइस लियोन कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि 60 एचपी आप लोग को रिकवर कर देगा अगर आप लोग कहीं से भी डैमेज खाते हो। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको रखना है फोर्ड कैरेक्टर। और गाइस फोर्ड कैरेक्टर भी आप लोग को लियोन की तरह ही 30 एचपी दे देता है जब भी आप लोग का मतलब गाइस आप लोग को 90 एचपी कॉन्स्टेंटली मिल जाएगा अगर आप लोग कहीं से भी डैमेज खाते हो। और गाइस आप लोगों को पता ही होगा एक मेडकिट मारने पर कितना एचपी मिलता है, आप लोगों को 70 एचपी मिलता है गाइस, ठीक है? और आप लोगों को 90 एचपी मिल रहा है वेस्ट, मतलब आप लोगों को मेडकिट मारने की जरूरत कम से कम होगा। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको रखना है लिकेटा कैरेक्टर। लिकेटा कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि अगर आप लोग किसी भी एनिमी को मारते हो, मतलब दो एनिमी को मारते हो, तो आप लोगों को 50 एचपी एक्स्ट्रा प्रोवाइड, मतलब गाइस आप लोग 250 एचपी 60 में लेके चलोगे। ऊपर से अगर आप लोगों ने जेन का एबिलिटी ऑन किया, आप लोगों को फिर से 60 एचपी एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब गाइस आप लोगों का टोटल एचपी हुआ 310। उसके बाद अगर आप लोगों ने वेस्ट एचपी बूस्टर एक्स्ट्रा यूज किया ना, तो गाइस आप लोगों को फिर से 30 एचपी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब गाइस आप लोगों का एचपी था 310 और आप लोगों को 30 एचपी एक्स्ट्रा मिलेगा वेस्ट बूस्टर की वजह से, मतलब गाइस आप लोगों को टोटल एचपी मिलेगा 340। तो गाइस सामने वाला बंदा आप लोगों को इजीली मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बेचारा आएगा 200 एचपी के साथ, आपका 340 एचपी है तो कहां मार पाएगा वो। ऊपर से गाइस आप लोगों को पता ही है लियोन और फोर्ड कैरेक्टर आप लोगों को 90 एचपी कांस्टेंटली देता रहेगा, मतलब आप लोग जैसे ही फाइट लेते हो आपको थोड़ा सा डैमेज पड़ता है ना, तो आपको मेडिकिट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कुछ बंदे बोलेंगे 90 से ज्यादा डैमेज पड़ा तो हमको तो मेडिकिट मारने की जरूरत पड़ेगा है ना। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने सच से कूदा मेरे को कितना डैमेज आया गाइस, 100। मतलब गाइस अभी लियोन 60 एचपी रिकवर करेगा और फोर्ड 30, मतलब टोटल 90 एचपी जो है ना वो रिकवर होगा। तो गाइस स्क्रीन पर देख ही सकते हो मेरा डैमेज जो है ना वो रिकवर हो रहा है और 190 तक एचपी मेरा हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कहीं से भी डैमेज खाना गाइस, ठीक है? जैसा कि मैं इधर से फिर से कूद गया ना, तो मेरे को कितना डैमेज फिर से रिकवर करेगा, 90। मतलब आप लोगों को समझ में आया गाइस, आप लोगों को बस फाइट लेना है कॉन्स्टेंटली और आप लोगों का जो एचपी है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा, मतलब आप लोग रिकवर एचपी जो है ना आपका वो होता रहेगा। तो गाइस ये वाला बहुत ही बढ़िया हीलिंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो ये वाला स्किल कॉम्बिनेशन यूज करके बीआर गेम जरूर से खेलना। आप लोग का हर एक गेम बुइया के साथ साथ अगर आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो ना, आप लोग को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। तो चलो गाइस अब बात करते हैं सर्वाइविंग स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस सर्वाइविंग स्किल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक्टिव स्किल पे आप लोग को रखना आलोक या फिर के कैरेक्टर, मतलब आप लोग को जो हील करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जो बीआर रैंक में होता है ना वो है हील करना। तो गाइस टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली अगर आप लोग को हील करने वाला कोई कैरेक्टर हो ना, वो आप लोग को जरूर से यूज करना चाहिए बीआर रैंक। इसीलिए गाइस मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप लोग सर्वाइव करके बुया करना चाहते हो तो आप लोग के या फिर आलोक यूज करो, जो कि आप लोग को टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली हील करता रहेगा। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे मैंने रखने दिया मैक्सिम कैरेक्टर। तो गाइस मैक्सिम कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि आप लोगों को 25% ज्यादा तेजी से मेडकिट या फिर मशरूम कंज्यूम करने में मदद करता है। मतलब गाइस आप लोगों को एक मेडकिट मारने में जितना समय लगता है ना, उससे 25% कम समय लगेगा अगर आप लोग मैक्सिम कैरेक्टर यूज करते हो तो। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट में मैंने यूज करने दिया है केली कैरेक्टर। और गाइस केली या फिर इलाइट के लिए अगर आप लोग यूज करते हो ना, तो बेसिकली क्या करता है कि आप लोगों को जो स्प्रिंटिंग स्पीड है वो इंक्रीज कर देता है 6%, मतलब आप लोग 6% ज्यादा
स्पीडली स्प्रिंट कर पाओगे, भाग पाओगे। और गाइस सबसे जरूरी बात तो ये है कि इलाइट के लिए अगर आप लोग यूज करते हो ना, तो आप लोगों का क्या होता है, 5 सेकंड में एक स्किल जो है ना वो एक्टिवेट होता है। और स्किल जब एक्टिवेट होता है, फास्ट शॉट फास्ट बुलेट जब आप लोग एनिमी को मारते हो, 106% ज्यादा डैमेज पड़ता है। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर। तो गाइस लूना कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि 8% रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है आपका गन का। मतलब आप लोग जब एनिमी को फायर करते हो ना, तो आप लोग ज्यादा तेजी से गोली मार पाओगे, मतलब 8% ज्यादा स्पीडली आप लोग एनिमी को डैमेज कर पाओगे। और जो 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करते हैं ना, वो 15% तक इंक्रीज करता है कॉन्स्टेंटली। और 15% तक इंक्रीज करने के बाद वो वाला अमाउंट, मतलब 8-15% तक जितना अमाउंट होता है, वो आप लोग का मूवमेंट स्पीड पे ऐड कर देता है। मतलब लूना कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है, आप लोग का रेट ऑफ फायर और मूवमेंट दोनों बढ़ाता है। अगर आप लोग सर्वाइव करके बुया करना चाहते हो, तो ये वाला कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जरूर से यूज करना, आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलो गाइस अब बात करते हैं ओरियन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को बताया, एक्टिव स्किल स्लॉट पे आप लोग को क्या रखना है ओरियन कैरेक्टर। तो गाइस ओरियन कैरेक्टर क्या करता है ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइस इसके साथ कौन सा वाला स्किल कॉम्बिनेशन आप लोग को यूज करना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ओरियन कैरेक्टर के साथ सबसे पहले फास्ट स्किल स्लॉट पे आप लोग को जो कैरेक्टर यूज करना है वो है जस्टिन बीबर। तो गाइस जस्टिन बीबर कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है कि 12 मीटर के रेंज पे 12% डैमेज ब्लॉक करेगा ईपी यूज करके। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सिर्फ आपका डैमेज ब्लॉक नहीं करेगा, अपने टीममेट्स का भी करेगा। लेकिन गाइस जब आपका टीममेट्स का डैमेज ब्लॉक करेगा, उसका जो ईपी है वो डिडक्ट होगा। मतलब जितना डैमेज ब्लॉक करेगा उतना ही ईपी जो है ना वो डिडक्ट होगा। और वो जो ईपी डिडक्ट हुआ, वो डिडक्ट होने वाला अमाउंट का ईपी आपके ईपी में प्लस होगा। मतलब गाइस आप लोगों को ओरियन कैरेक्टर का स्किल एबिलिटी यूज करने के लिए ईपी मिलता रहेगा। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको यूज करना है लूना, जो कि गाइस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड आप लोगों का इंक्रीज करता है। उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको यूज करना है मिगुएल। तो गाइस मिगुएल सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आप लोगों को क्या करता है, जब भी आप लोग एक एनिमी को डाउन करते हो तो आप लोग को 200 ईपी दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ओरियन का स्किल एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हो। तो चलो गाइस हम बात करते हैं रसिंग कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो गाइस रसिंग स्किल कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले एक्टिव स्किल स्लॉट पे आपको रखना है टाटसुया। तो गाइस टाटसुया बेसिकली आप लोगों को क्या करता है, 3 बार डैश प्रोवाइड करता है और गाइस पर डैश 0.3 सेकंड के लिए यूजेबल है। और गाइस अगर आप लोग रसर हो ना, इससे बेटर टाटसुया से बेहतर कैरेक्टर आप लोगों को नहीं मिलेगा रस करने के लिए। उसके बाद सेकंड स्किल स्लॉट पे आपको रखना है डीबी कैरेक्टर। और गाइस डीबी कैरेक्टर का फंडा सिंपल है, ये आप लोग का 30% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगा और आप लोग का एक्यूरेसी 60% इंक्रीज कर देता है। मतलब गाइस आप लोग 30% ज्यादा स्पीडली मूवमेंट कर पाओगे और आप लोग जब एनिमी को मारते हो ना, तो आप लोग का 60% एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। उसके बाद वाला कैरेक्टर स्किल स्लॉट पे आपको यूज करने दिया है दशा कैरेक्टर। तो गाइस दशा कैरेक्टर बेसिकली आप लोग का क्या करता है, रेट ऑफ फायर 18% इंक्रीज करता है और आप लोग का मूवमेंट स्पीड जो है ना वो भी 12% इंक्रीज करता है। और ये तभी काम करेगा जब आप लोग एक एनिमी को डाउन करोगे, तो ये जो स्किल है वो एक्टिव होता है। स्किल एक्टिव होने के बाद 6 सेकंड तक लास्ट करेगा। और गाइस वही 6 सेकंड पे और एक एनिमी को आप लोग डाउन करते हो ना, तो आप लोग का रेट ऑफ फायर फिर से 4% इंक्रीज हो जाएगा और आप लोग का मूवमेंट स्पीड 3% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग का 18% रेट ऑफ फायर था, तो आप लोग का 4% 22% रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा और आप लोग का मूवमेंट स्पीड जो है 12% 3% 15% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला स्किल स्लॉट पे आपको यूज करना है लूना कैरेक्टर, जो कि गाइस मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग का फायर रेट जो है ना वो 8% इंक्रीज करता है, अप टू 15% तक इंक्रीज करेगा और 15% तक इंक्रीज करने के बाद वो मूवमेंट स्पीड तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस गाइस आज का इस वीडियो में बताने के लिए इतना सभी था, उम्मीद है आप लोग को सभी प्रीसेट पसंद आया होगा। और गाइस अगर आप लोग को लगता है कि आप लोगों के पास बेटर स्किल कॉम्बिनेशन है रैंक पुशिंग के लिए, आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो। अगर आपका कॉमेंट पे कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जो लिखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक आया ना, वो वाला स्किल्स कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट वीडियो में स्पॉन्सर करूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।